वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है 20 नवंबर की प्रेडिक्शन वीडियो। जैसे कि रजे इस दिन एकेडमिक और जीटी दोनों का एग्जाम होगा। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगी, प्रेपरेशन कम्स फर्स्ट एंड प्रेडिक्शन इज कैंडी, सो टेक इट एज अ गैस वर्क। जैसे सबसे पहले बात करेंगे रजे एकेडमिक रीडिंग के बारे में। एकेडमिक रीडिंग के पैसेज वन में आपको आ सकते हैं, जैसे कि रजे फिलअप्स जो कि होंगे अप टू 2 वर्ड्स ओनली, उसके साथ आएंगे 2 फर्स्ट नॉट गिवन एंड उसके साथ आ सकते हैं मैच द इन्फॉर्मेशन जिसमें ऑप्शंस आपको दिए होंगी। एंड सेकंड पैसेज में आपको आ सकता है रजे मैच द इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैच द इन्फॉर्मेशन में आपको आ सकता है लिस्ट ऑफ हेडिंग आ सकता है। अगर लिस्ट ऑफ हेडिंग नहीं आता तो उसकी जगह पर आ सकता है विच पैराग्राफ कंटेन्स दिस इन्फॉर्मेशन। उसके साथ आएंगे रजे फिलअप्स जो कि होंगे शॉर्ट नॉट कंप्लीशन की फॉर्म में, उसके साथ आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एंड पैसेज 3 में आपको आ सकते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो भी होंगे अप टू 3 वर्ड्स ओनली, उसके साथ आएंगे रजे सिलेक्शन ऑफ लेटर्स एंड उसके साथ आएंगे येस नो नॉट गिवन। अब हम बात करते हैं ओवरऑल लेवल की। ओवरऑल लेवल आएगा रजे मॉडरेट, और जो वेबसाइट जैसे कि रजे आप इमेज देख पा रहे हैं, काफ़ी बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होगी, जो फाइनल एग्जाम में रीडिंग आती है वो मोस्टली इन वेबसाइट में से ली जाती है। और जो वेबसाइट रजे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी वो है IELTSFever.com, और दो और वेबसाइट जहाँ से मोस्टली रीडिंग पैसेजेस उठाए जाते हैं, तो आप ये वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। साथ के साथ रजे मैं आपको ये भी चीज़ कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप आंसर्स को क्रैम मत कीजिएगा, बिकॉज वो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस चेंज कर देते हैं। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि आंसर्स को क्रैम कर लेते हैं। अब हम आगे बात करते हैं लिसनिंग के बारे में। जैसे कि रजे लिसनिंग के पार्ट वन में आएंगे फिलअप्स जो कि होंगे 1 वर्ड एंड और अ नंबर। पैसेज 2 में आपको आ सकते हैं जैसे कि MCQs, सिलेक्शन ऑफ लेटर्स आ सकता है, मैप आने की पॉसिबिलिटी है। एंड पार्ट 3 में आ सकते हैं लार्ज MCQs एंड मैच द इंफॉर्मेशन। पार्ट 4 में आएंगे फिलअप्स जो कि होंगे 1 वर्ड ओनली। अब हम बात करते हैं ओवरऑल लेवल की। ओवरऑल लेवल आएगा रजे इजी टू मॉडरेट। जैसे कि रजे समटाइम्स क्या होता है कि लिसनिंग बहुत ज़्यादा फास्ट आ जाती है पार्ट 2 एंड 3 की, तो आप इस वे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि पार्ट 1 एंड 2 के लिए रख सकते हैं 1.25x, जैसे कि रजे आप पार्ट 3 एंड 4 के लिए बैकग्राउंड स्पीड रख सकते हैं 1.5x। और मैं जो चीज़ आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप इस वे से 1 टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जीटी की रीडिंग बारे। जीटी की रीडिंग के पैसेज 1 में आएंगे मैच द इन्फॉर्मेशन, उसमें आएंगे लिस्ट ऑफ हेडिंग, उसके साथ आएंगे 2 फर्स्ट नॉट गिवन एंड सेक्शन 2 में आएंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड उसके साथ आ सकते हैं फिलअप्स एंड उसके साथ आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सेक्शन नंबर 3 में आएंगे सिलेक्शन ऑफ लेटर्स एंड उसके साथ आएंगे फिलअप्स, उसके साथ आएंगे 2 फर्स्ट नॉट गिवन। अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल लेवल कैसे आने के चांसेस हैं उस दिन एग्जाम में जीटी की। जैसे कि रजे ओवरऑल जो लेवल आएगा वो आएगा मॉडरेट, और जो चीज़ें आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगी जीटी की रीडिंग के लिए, मकड़ वॉल्यूम 1 एंड 2 IELTSFever.com से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले की रजे अगर आपको राइटिंग में प्रॉब्लम है तो आप मेरी राइटिंग टास्क 1 एंड 2 की टेम्पलेट वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई हैं, तो वो आप जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। साथ के साथ आपको राइटिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स भी पता चलेंगे, और आप मेरी रीडिंग की मास्टर वीडियो भी जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप रीडिंग पे 5.5 बैंड पर स्टक हैं तो आपके लिए वो वाली वीडियो, जैसे कि आप इमेज देख पा रहे हैं, ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अब हम आगे बात करते हैं राइटिंग टास्क 1 में आ सकता है, जैसे कि रजे आपको राइटिंग टास्क 1 में आएगा बार, टेबल, पाई, डायग्राम आ सकता है। और राइटिंग जीटी की राइटिंग टास्क 1 में आपको आएगा रजे सेमी फॉर्मल लेटर, और राइटिंग टास्क 2 में आपको आ सकता है जैसे कि डिस्कस द बोथ व्यू एंड गिव योर ऑन ओपिनियन, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, डू द एडवांटेजेस आउटवेयर द डिसएडवांटेजेस। जैसे कि रजे जो टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं एजुकेशन के ऊपर आ सकता है, आपको आर्ट एंड कल्चर के ऊपर आ सकता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड टूरिज्म के ऊपर आ सकता है, एनवायरनमेंट के ऊपर आ सकता है, जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आ सकता है, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैमिली, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। अगर आपको राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग किसी भी मॉड्यूल में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरी प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। राइटिंग टास्क 2 की प्रेडिक्शन वीडियो जल्दी ही अपलोड होगी। टिल देन डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।